ज़्यादा चांसेस यही हैं कि खुदकश धमाका है, लेकिन अभी अनाउंस करेंगे वो एक्चुअली जब पूरी इन्वेस्टिगेशंस हो जाएंगी। इसमें बॉल बेयरिंग जो अभी तक की बम डिस्पोजल स्क्वाड ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक बॉल बेयरिंग भी इस्तेमाल हुआ है, तो बाकी सारी डिटेल्स इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद जब जैसी चीज़ें क्लियर होती हैं तो फिर हम आपको। डेप्यूटी कमिश्नर सालिहा सईद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, वो जायब मौके पर पहुंची हैं और सूरत हाल का जायजा लिया है, जिसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। जी बिल्कुल, ये धमाका जो हुआ है वो दाता दरबार के गेट नंबर 2 के करीब हुआ है और इस धमाके के जरिए एलीट फोर्स की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। कुल तादाद शहीद होने वाला धमाका खुदकुश धमाका है। सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि धमाका खुदकुश था और कम उम्र हमला आवर बच्चा था जिसे खुदकुश धमाके के लिए इस्तेमाल किया गया। उसने अंदर जाने की कोशिश की मगर उसे जाने का रास्ता नहीं मिला, इसलिए उसने अपने आप को गेट नंबर 2 के करीब ही ब्लास्ट कर दिया। और ये भी बताया जा रहा है कि एलीट फोर्स की गाड़ी है जिसको निशाना बनाया गया था। और आपको बताते चले कि इस धमाके के कुल तादाद शहीद होने वालों की 5 है, जिनमें 3 सिक्योरिटी अहलकार हैं जबकि 2 आम शहरी हैं, जबकि 20 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई हैं और उनको जो है वो इब्तदाई इमदाद के लिए ज़्यादातर जख्मियों को अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। और आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया गया है और इस हवाले से एक अमन अमान के हवाले से आला सतह का अजलास है जो कि तलब कर लिया गया है, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा और मुतलका सिक्योरिटी इदारों से इस हवाले से बातचीत की जाएगी और ब्रीफिंग भी ली जाएगी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। और आपको बताते चलें कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने का आज दूसरा रोज़ है, जिसके आगाज़ में ही यह अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया है। दाता दरबार के गेट नंबर 2 के करीब यह धमाका हुआ है जिसके जरिए एलीट फोर्स की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। अनफॉर्चुनेटली 20+ पेशेंट जो रिसीव हुए हैं, इसमें 5 के करीब डेड पेशेंट और इस वक्त जो क्रिटिकल पेशेंट हैं 5 और 6, इनके ऑपरेशन हो रहे हैं और हर ऑपरेशन पे इस वक्त खुद प्रोफेसर मौजूद है, अद्वियात मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और हत्तुल अमकान पूरी कोशिश की जा रही है हर पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल केयर देने की। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो जो बंदा है उसका टारगेट पॉसिबिलिटी थी कि वो अंदर दाखिल हो जाता, और अगर अंदर दाखिल होता वहाँ पर तो हज़ारों की तादाद में लोग नमाज़ पढ़ने और दरबार पे हाज़िरी के लिए आते थे। लेकिन बहरहाल ये वाक़या अगर बाहर भी हुआ तो मैं समझता हूँ कि उतना ही अफसोस के काबिल है कि इसमें कीमती जानें ज़ाया हुई। देखिए अभी मैं नहीं कह सकूँगा इस मामले में, जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब रिपोर्ट आ जाएगी बिल्कुल आपके सामने रखेंगे और इंशाल्लाह ताला जो वज़ीर आला की हदायत हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत है उसके मुताबिक इस वाक़े के जो महरकात हैं, जो जिस तरह से ये वाक़ा हुआ, कहां से ये चला, कैसे हुआ, उस तमाम को इंशाल्लाह अगले आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ट्रेस किया जाएगा। जो भी है वो पाकिस्तान का अजली दुश्मन है, जिसने बलूचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर और दूसरी जगहों पर पिछले दिनों में भी आपके सामने जो वाक़ियात हुए, ये तो आप जो कड़ी मिलेगी, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं वो बैठेंगी, डिटरमिन करेंगी, फिर आपके सामने एक प्रॉपर हम रिपोर्ट देंगे। ताकि वक्त से पहले कहना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस तरह के वाक़ियात कोई एक पाकिस्तानी नहीं कर सकता, इस तरह के वाक़ियात कोई एक मुल्क दुश्मन जो अनासर होते हैं वही कर सकते हैं, और ये सिर्फ मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो हमारी सफ़ों में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखें, अगर वो कहीं से भी चला है तो यहाँ पर उसको फैसिलिटेट करने वाला कोई ना कोई ज़रूर बैठा होगा। लिहाजा इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह ताला इसको पकड़ेंगे, इनको वो सज़ाएँ देंगे कि तारीख में जो हैं वो लिखा जाएगा कि इन्होंने जो हरकत की है उसके ऊपर कितनी कड़ी सज़ा दी गई।